सीते, आपसे कुछ बात करनी। अवश्य रघुनंदन। यहां से दक्षिण तक के पूरे क्षेत्र पर राक्षसों के निरंतर आक्रमण हो रहे हैं। वहां के लोग उनसे भयभीत हैं और एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो लोगों की रक्षा करे, और इसीलिए मेरे विचार से हमें यहां से दक्षिण की ओर ही प्रस्थान करना चाहिए, जहां पर नरभक्षी राक्षसों ने अपने आतंक और उपद्रव से ऋषि मुनियों के जीवन को भयाक्रांत कर रखा है। किंतु किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले मैं आप दोनों की सहमति चाहता हूं, क्या मेरा विचार उचित है? निसंदेह, आप जो भी कह रहे हैं वो सर्वथा उचित और धर्मानुकूल है, और मन कर और वचन से आपके साथ, और मैं भी आपके साथ हूं भैया। संभवतः आगे वन में भयावह संकट का सामना करना होगा, ऐसे में जनक नंदिनी सीता का आपके साथ रहना उचित नहीं है। और एक बात, महर्षि अत्रेय ने वन के आतंक और भय को देखते हुए मुझे एक सलाह दी कि आपको यहां आश्रम में ही रुक जाना चाहिए। और आप क्या चाहते हैं रघुनंदन? सीते, आपको अपने साथ वन में लाने का मेरा निर्णय आज भी अटल है। आपके बिना मैं आगे की यात्रा के बारे में विचार भी नहीं कर सकता। संभव है लक्ष्मण इस बात से सहमत ना हो और उसे मैं बोझ प्रतीत होने लगूं। कैसी बातें कर रही हो भाभी, आप दोनों के बिना अपनी यात्रा के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और भाभी, इस वन की सुंदरता क्या है, उसकी अद्भुतता क्या है, आप ही ने मुझे सिखाया। आप हमारी शक्ति पद प्रदर्शक है। अब हम जहां भी जाएंगे आप ही के साथ जाएंगे भाभी, है ना भैया? सत्य करियो शुभ कीर्ति, राजभवन का परिवेश सदैव मुझे काटने को दौड़ता है। मैं स्वयं चाहता हूं कि राजभवन में पुनः प्रसन्नता आए, जिससे हमारी माता कुछ समय के लिए अपने दुख को भुला सके। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये परिस्थितियां कुछ परिवर्तित हो सके? मैं बताऊं मैंने क्या सोचा है? हाँ अवश्य बताओ। शुद्ध कीर्ति, पर इस तरह कान में कहने की क्या आवश्यकता थी? तिवारी सुन लेंगी तो, और उन सबको पहले से ज्ञात हो जाएगा, फिर चकित होने का आनंद कैसे आएगा? किंतु कहा? आप चलिए हमारे साथ, मैं मार्ग में आपको विस्तार से बताऊंगी। ठीक है, परंतु माता केकई कहाँ है? मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। नहीं शुद्ध कीर्ति,
माता करके कुछ समय तक अकेले रहना चाहते हैं। हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। मांडवी उचित कह रही है। कैके अभी बहुत व्यथित है और उसे अपने दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ समय लगेगा। अब चले। आपके प्रस्थान से पूर्व मैं आपको कुछ भेंट देना चाहती हूँ। इन्हें धारण करिए। ये सांसारिक वस्त्राभूषणों से भिन्न है। ये वस्त्र कभी मलिन नहीं होगा, सदैव स्वच्छ और निर्विकार रहेगा। और ये वस्त्र वन में आपकी सुरक्षा भी करेगा। सीता, वनवास का जो जीवन आपने चुना है वो अत्यंत दुष्कर है। मैं हर संकट का सामना करने के लिए तत्पर हूं माता। निस्संदेह आप प्रत्येक संकट और अशुभ को टालने में सक्षम हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि आप अपने चरित्र, शील और गुण के सामर्थ्य के कारण आप कभी रघुनंदन राम और लक्ष्मण के लिए बाधा या बोझ नहीं बनेंगे। किंतु ऐसा समय भी आ सकता है कि आप किसी परिस्थिति में अकेली पड़ जाएं। आपके साथ ना रघुनंदन राम हो ना लक्ष्मण। आपको अकेले ही अपने बल पर प्रत्येक संकट से संघर्ष करना पड़े। माता, क्या आपको कुछ अशुभ होने का आभास हो रहा है? नहीं, पर मैं असुरों की विचारधारा और आचरण को जानती हूं। उनके संस्कार हमारे संस्कारों से अलग और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए संकट की कल्पना करना भी संभव। वन में हर व्यक्ति उनके लिए या तो भोजन है या शत्रु। और ऐसे वातावरण में हम सबके संरक्षण के नियम परिवर्तित हो जाते हैं। माता, मैं आपकी शुभ इच्छा के लिए बहुत आभारी हूँ और मैं सदैव वन में ऐसा आचरण और व्यवहार करूंगी जिससे मैं स्वयं संकट से बच सकूं और अपने पति और देवर को भी बचा सकूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक रघुनंदन और सुमित्रा नंदन हमारे साथ हैं, मुझे संकट भी स्पर्श नहीं कर सकता। मैंने अपनी कुल की शिक्षा और नैतिक मूल्य का सदैव अपने जीवन में प्रयोग किया है और मैं सदैव अपने जीवन में इन विचारों का प्रयोग करूं। आप श्री राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जैसे वो आपको। प्रेम की ऐसी श्रेष्ठता संसार के लिए समझ पाना सरल नहीं, क्योंकि ऐसा निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ है। पर इतना अवश्य है कि भविष्य में स्त्रियां आपका नाम लेकर पतिव्रत धर्म का पालन किया करेंगी।